राधे राधे सभी कृष्णवास को, अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूले। नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी अपने कानूनन के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अविश्वास में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबको अच्छे ही होंगे ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा जिन पर बनती है वह वैसे भी हर भवसागर से तार हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, है ना, तर जाते हैं। तो इसी पे ही मैं आज कुछ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमेशा की तरह कि इस बार भी आया है कुछ हमारे कन्नू नन्नू के लिए, साथ ही कन्नू नन्नू की मैया के लिए भी। हालांकि मुझे एक्चुअली सही नहीं लगता कि कोई मेरे लिए कोई भेजे कुछ भी। कन्नू नन्नू के लिए भेजते हैं, देखिए वो उनका प्यार है, हालांकि मेरे लिए भी भेजते हैं, वो भी प्यार ही है, लेकिन कन्नू नन्नू के लिए तो मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है। फिर बात आती है कि मेरे लिए भेजने का, पर उन्होंने इतने प्यार से बोला कि आपको मैं बड़ी दी मानती हूँ, बड़ी बहन मानती हूँ, तो मैं प्यार से आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो जैसे कि हम क्या नाम है, राजस्थान से हैं, तो उन्होंने उसी के रिलेटेड कुछ मुझे गिफ्ट भेजा है जो आप आने वाले उसमें देखेंगे समय में, यानी कि वीडियो में आगे चलकर आप देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ये गिफ्ट आया है रतनगढ़ से, हाँ जी, रतनगढ़ से, राजस्थान से आया है ये गिफ्ट। और मैं दिल्ली रहती हूँ, आप सभी को पता है, तो रतनगढ़ से दिल्ली आया है ये गिफ्ट। और वो काफ़ी टाइम से भेजना चाह रही थी, समथिंग 30 के बाद से ही, या शायद 30 से पहले से, बट वो अब आ पाया है। पर कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है एक्चुअली मुझे तो कोई टेंशन नहीं, बट हाँ, जो देना चाहता है उस पर्सन को तो टेंशन लगती है कि हमने दी को बोला है कि हम आपको देना चाहते हैं और अभी तक हमने नहीं भेजा है, तो भी सोच रहे होंगे, पता नहीं। एक्चुअली मेरे फ़ोन में मैसेजेस आते हैं, मैं ऑफ करना भूल गई हूँ। तो आप आगे चल के देखिए वीडियो में कि आपको कैसा लगता है वो गिफ्ट और क्या क्या भेजा है जो रतनगढ़ से हमारी कन्नू नन्नू की बहुत बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, और अब तो कन्नू नन्नू की मौसी भी हैं, क्योंकि वो कन्नू नन्नू की मम्मा को अपनी बड़ी बहन मानती हैं, तो वो छोटी मासी हुई। तो इनकी मासी ने इनके लिए कुछ भेजा है, आप सभी ज़रूर देखिएगा। है जो कि भेजा है मोहन जोशी के नाम से है, रतनगढ़ से आया है ये। ये मेरे और कन्नू नन्नू के लिए गिफ्ट आया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दी मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना है, आप मेरी बड़े बहन के जैसे हो, तो मैं अपनी बड़ी बहन को कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ, काफ़ी उन्होंने बोला, तो उन्होंने बड़े प्यार से भेजा। आप देखते हैं इसमें एग्जैक्टली है क्या और कैसा है, तो मैं अभी इसकी ओपनिंग कर रही हूँ आप सभी के सामने। कुछ करती है, पता करो, कुछ ऐसी चीज कर दिया जो काटनी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ड्रेस वगैरह है इसमें, तो ये क्या क्या है? अच्छा, ये एक्चुअली नैपी है मेरे कन्नू नन्नू के लिए, लंगोटी। और ये देखिए, क्योंकि रतनगढ़ राजस्थान से आया है, तो राजस्थानी टच में बड़ा प्यारा सा ड्रेस है, मुझे पक्का पता है मेरे कन्नू नन्नू पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेंगे। तो नैपी का भी उन्होंने बहुत गहराई से ध्यान दिया है कि कन्नू नन्नू को नैपी भी पहनना है। तो ये उन्होंने ऐसे टॉप बनाया है एक अलग लुक में, एक्चुअली इस लुक में मेरे कन्नू नन्नू के पास है नहीं ड्रेस, तो काफ़ी सुंदर सा ड्रेस है, गोटा पट्टी लगा हुआ है, हालांकि मैं भी बनाती हूँ, बट काफ़ी सुंदर है, बड़े प्यार से भेजा है। मैं कन्नू नन्नू को ज़रूर पहनाऊँगी किसी ओकेशन पर, जल्द ही, शायद नवरात्रि में, शायद उससे पहले, बाकी कन्नू नन्नू के मूड पर डिपेंड करता है कि कन्नू नन्नू कितना जल्दी पहनेंगे। तो उसमें टॉप अलग है, इसमें टॉप इसी में ऐड किया हुआ है, ये इस तरीके से मेरे नन्नू ऐसे नेक में पहन करके इसको पहन सकते हैं। तो ये नन्नू का ड्रेस है, और नन्नू की भी नैपी है छोटी सी, आप सभी को दिख रही होगी। चलो भाई, मेरे कन्नू नन्नू नैपी भी पहन लेंगे। अब और देखते हैं, और ये भेजा है ड्रेस, ये नथ भी है, ये उन्होंने नथ भेजी है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और वो भी राजस्थान से, तो उन्हें लगा हुआ कि दीपर अच्छी लगेगी नथ, क्योंकि उन्होंने मुझे रखड़ी लगाए हुए देखा हुआ था। कई लोग बोर लेकिन हमसे जानते, बट उसे रखड़ी बोलते हैं, तो
तो उन्होंने नथ भेजे हैं, उन्हें शायद पता होगा कि मेरे पास नहीं है, हालांकि मेरे पास है, बट उन्होंने बड़े प्यार से भेजा है, तो मैं ज़रूर पहनने वाली हूँ इसको। पता नहीं, वो काफ़ी डाउट में थे कि दीप पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई प्यार से भेजता है तो अच्छा लगना लाजमी है। तो ये होता है ओढ़ना, तो ओढ़ना प्लेन है, इसमें गोटा लगा हुआ है, किरण गोटा जो रहता है वो लगा हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा। इसके बाद में ये कुर्ती कांचली बोला जाता है इसको, राजस्थान में इसको बोलते हैं कुर्ती, और ये होता है कांचली। तो ये कुर्ती कांचली उन्होंने भेजा है, और इसके साथ में ये घाघरा है, जिसको लहंगा भी आप कह सकते हो। काफ़ी सुंदर है, सिंपल एंड सोवर, बहुत प्यारा पीस लग रहा है। तो थैंक यू अमीना आपके इस सुंदर से गिफ्ट के लिए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। रेटिंग वगैरह जैसा है कुछ, पास से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा तड़क से उसमें रहता है जिनमें लहंगे वगैरह आते हैं, और ये कुछ इस तरीके से कढ़ाई है जैसे कि सिक्वेंस वर्क हो, दूर से कोई देखेगा तो सिक्वेंस वर्क ही लगेगा ये। तो बड़ा ही सुंदर पीस उन्होंने भेजा है, एंड कलर भी बहुत ही सुंदर है, मेरा फेवरेट है एक्चुअली रेड एंड ग्रीन। तो आप सबको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना एक बार कि आपको कैसी लगी। एक्चुअली इसको राजपूती पोशाक बोला जाता है राजस्थान में, और बेस भी बोला जाता है राजस्थानी बेस, तो उन्होंने ऐसा भेजा है, पता नहीं पहनने के बाद पता चलेगा कि मुझे कितना फिटेड है या नहीं है, ओपन करना है टाइट करना है, अब ये तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। बाकी बहुत ही सुंदर पीस है, बहुत ही सुंदर। तो आपको जैसा भी लगे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ राधे राधे।